हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट बोन्स। तो जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था, बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज़ अ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। इन ह्यूमन एडल्ट देयर आर अबाउट 206 बोन्स, 206 बोन्स। जब व्हेन द इन्फेंट और द चाइल्ड इज यंग या ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज there are more bones. Later the bones, various bones fuse and form larger bones. So in human adult there are about 206 bones. Bone cells are of various types like osteoclast, osteocyte or osteoblast. तो ये हम पढ़ेंगे structural organization in animals पढ़ते वक्त, osteoclast का function, osteocyte का function और osteoblast का function. अभी के लिए बेटा आप याद रख सकते हो, osteoblast they are dividing cells, they are active cells. Okay. फिर हम पढ़ते हैं ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, दैट इज एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। आई विल रिपीट, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अपेंडिकुलर स्केलेटन, इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स ऑफ लिम्ब एंड बोन्स ऑफ गर्डल या गर्डल बोन्स। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन में होते हैं टोटल 80 बोन्स और एपेंडिकुलर में 126। तो 80 प्लस 126 इज इक्वल टू 206 बोन्स। अभी हम पढ़ते हैं अबाउट एक्सियल स्केलेटन। तो अपना टेक्निक होगा, कुछ हम स्लाइड्स के जरिए डायग्राम देखेंगे और ये नोट्स के पीडीएफ के जरिए थ्योरी पढ़ेंगे। तो एक्सियल स्केलेटन में पहले हम पढ़ते हैं स्कल। स्कल कंसिस्ट ऑफ 29 बोन्स। स्कल इज अगेन डिवाइडेड इंटू वेरियस पार्ट्स लाइक क्रेनियम, जिसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है, क्रेनियम को कहते हैं ब्रेन बॉक्स। उस वो बना होता है 8 बोन्स से, सो क्रेनियम इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स। फेशियल बोन्स होते हैं 14, ईयर ऑसिकल्स होते हैं 6, 3 इन ईच ईयर। तो 3 ईयर ऑसिकल्स के मैं यहाँ नाम लिखता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना आपके नोटबुक में, मैलियस, इनकस और स्टेपस। तो टोटल कितने, 3 × 2, दैट इज 6 ईयर ऑसिकल्स। तो 2 मैलियस, 2 इनकस और 2 स्टेपस। ईच ईयर में 1 मैलियस, 1 इनकस और 1 स्टेपस, वैसे ही दूसरे ईयर में मैलियस, इनकस, स्टेपस। तो टोटल 6 ईयर ऑसिकल्स। फिर यहाँ मैंने लिखा है स्टेपस इज द स्मॉलेस्ट बोन एंड इट इज प्रेजेंट इन ईयर, इट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। फिर हाइड, इट इज अ बोन एट द बेस ऑफ द ओरल कैविटी। तो हायोइड के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या, इट इज़ एक ऐसा बोन है, इट इज़ दैट बोन विच इज़ नॉट कनेक्टेड विथ एनी अदर बोन। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ पर आपके नोटबुक में, हायोइड इज़ नॉट कनेक्टेड विथ एनी अदर बोन। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ओरल कैविटी। तो जैसा हमने पढ़ा, स्कल में 29 बोन होते हैं, आई विल अगेन रिवाइज, क्रेनियम में 8 बोन्स, फेशियल बोन्स आर 14, 14 प्लस 8 इज इक्वल टू 22, ईयर ऑसिकल 6, 22 प्लस 6 इज इक्वल टू 28, प्लस हॉर्ड 1, दैट इज 28 प्लस 1 इज इक्वल टू 29 बोन्स इन द ह्यूमन स्कल। ठीक है, फिर क्रेनियम में के जो बोन्स होते हैं और फेस में के जो बोन होते हैं और ईयर ऑसिकल्स, वो हम अभी एक डायग्राम के जरिए आपको ओरिएंटेशन देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, यहाँ पर है लैटरल व्यू ऑफ स्कल। इसे हम क्या कहेंगे, लैटरल व्यू, क्योंकि साइड से ये व्यू है, तो इसे हम कहेंगे लैटरल व्यू ऑफ स्कल। तो इसमें आप देख सकते हो, फ्रंटल बोन, स्पिनॉइड बोन, इथमोइड बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन। तो यहां पर मैं नोट डाउन करता हूं, आप इसे रिवाइज कर लेना। हमारे में होता है 1 फ्रंटल बोन, 2 पैराइटल बोन, 2 टेम्पोरल बोन, 1 ऑसिपिटल बोन, 1 स्पिनॉइड बोन और 1 इथमोइड बोन। तो हम अभी इसका एडिशन करते हैं, 1 फ्रंटल, 1 स्पिनॉइड, 1 इथमोइड, ये हो गए 3 बोन्स, 1 ऑसिपिटल 4 बोन्स और 2 टेम्पोरल और 2 पैराइटल, दैट इज टोटल 8 बोन। तो ये सब जितने बोन्स मैंने ब्लैक मार्कर से मार्क किए, दीज आर 8 बोन्स ऑफ क्रेनियम। अभी जो मैं रेड मार्कर से मार्क करता हूँ, दीज आर बोन्स ऑफ फेस लाइक
lacrimal bone, nasal bone, zygomatic bone, maxilla and mandible. And there are various bones जो इस diagram में नहीं दिखते. तो lacrimal bone होते हैं दो, nasal bone होते हैं दो, zygomatic भी दो. zygomatic को बोलते हैं cheek bone. maxilla को आप आपके notebook में लिख सकते हो, it forms the upper jaw. ये होते हैं two bones. और mandible को, mandible it's a single bone. इसको आप लिख सकते हो, it forms lower jaw. ठीक है, तो यहाँ पर total आपको 14 नहीं आएंगी क्योंकि कुछ bones इस diagram में नहीं दिखते हैं. तो जो मैंने red marker से mark किए हैं, these are the bones of face या facial bones. So this was some orientation about the bones related with the lateral view of the skull. फिर यहाँ आप देख सकते हो, hyoid bone. It is a single bone present at the base of oral cavity. So it is not connected with any bone. यहाँ mandible से ये जुड़ रहा नहीं है, यहाँ पर ऐसा ये दिखता है इस diagram में lateral view में, लेकिन it is not connected with any other bone. So this was about, in short, about some bones related with skull. अभी हम next part पे जाते हैं. Vertebral column. वो बना होता है adult में 26 bones से. Cervical मतलब neck region में 7 bones. 7 cervical vertebrae, thoracic 12 present in upper back, lumbar 5 present in lower back, sacrum and coccyx 1 further lower. Coccyx is also called as tail bone. It is a vestigial bone, मतलब उसका हमारे में कोई यूज नहीं है. तो vestigial bone is coccyx. तो total हो जाती है 26, cervical 7, thoracic 12, lumbar 5, sacrum 1 and coccyx 1. फिर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए वर्टिब्रे आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड, मतलब जो बैक का एरिया होता है उसे हम बोलते हैं डॉर्सल साइड, और जो फ्रंट एरिया होता है जैसे चेस्ट एब्डोमेन उसे हम कहते हैं वेंट्रल साइड. तो आप क्या लिख सकते हो, वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड. ठीक है, तो वेस्टिजियल बोन होता है कॉकिक्स, उसे टेल बोन भी कहते हैं. अभी हम कुछ और वेस्टिजियल ऑर्गन्स देखते हैं. यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आप आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लेना. जैसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन. फिर थर्ड मोलार, दैट इज कॉल्ड विजडम टीथ. It is also a vestigial part of the human body. और भी बहुत सारे vestigial parts होते हैं जो हम पढ़ेंगे evolution वाले topic में. ठीक है, तो ये topic जो हम पढ़ रहे हैं about bones, यहाँ में काम आएगा locomotion and movement में, जो हमारा 11th NCERT के core syllabus का एक human physiology का important topic है. ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़े 29 bones of skull and 26 bones. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 29 प्लस 26, दैट इज 55. तो अभी तक हमने पढ़े 55 बोन्स. ठीक है बेटा, तो आज हम पूरे बोन्स लर्न कर लेंगे एक शॉर्ट समय में, कम समय में. अभी हम जाते हैं वर्टिब्रल फार्मूला वाले पार्ट पे, मतलब ऐसा एग्जाम में ये पूछते हैं वर्टिब्रल फार्मूला, फैक्चुअल क्वेश्चन. C7, T12, L5, S1, CO1, C सर्वाइकल, टी थोरेसिक, एल लंबार, एस सैक्रम और सी ओ कॉकिक्स. तो ह्यूमन एडल्ट में 26. अब यहाँ पर जो मैं ब्लू मार्कर से मार्क करता हूँ, दैट इज ह्यूमन चाइल्ड का वर्टिब्रल फार्मूला. तो आप यहाँ देख सकते हो C7, T12, L5 ये तो सेम है, लेकिन चाइल्ड में 5 सैक्रल वर्टिब्रे होते हैं. तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है, जैसा मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ, SY और कॉकिक्स भी होते हैं 4. तो वहाँ पर 5 पीसेस ऑफ बोन होते हैं, सैक्रल बोन, सैक्रल वर्टिब्रे, जो जुड़ जाता है एडल्ट में और बन जाता है एक. तो ह्यूमन चाइल्ड का वर्टिब्रल फार्मूला अलग है, जैसा यहाँ पर हमने मेंशन किया है. आप देख सकते हो C7, T12, L5, S5, CO4. तो टोटल हो जाता है 33. सो इन चाइल्ड देर आर 33 वर्टिब्रे, बट इन एडल्ट देर आर 26. मतलब क्यों 33 से कम होकर 26 हो गए, कि कॉकिक्स एक बन गया
और सैक्रम एक बन गया एडल्ट में, चाइल्ड में दे आर इन द फॉर्म ऑफ पीसेस. सो ये इंपॉर्टेंट है. फिर यहाँ पर मैंने एक सवाल पूछा है, हाउ मेनी वर्टिब्रे आर सेम इन एडल्ट एंड चाइल्ड. तो आप देख सकते हो सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबार ये चाइल्ड में और एडल्ट में सेम होते हैं, C7T12α. तो वर्टिब्रल फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो हम इस डायग्राम के मदद से देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम. आप देख सकते हो सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबार वर्टिब्रा, सैक्रम और कॉकिक्स. फिर आपको देखेंगे दो वर्टिब्रे के बीच में एक जॉइंट होता है, उसे कहते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क. अभी हम पढ़ते हैं अबाउट रिब्स. देर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, दैट इज टोटल 24 रिब्स. रिब्स को कोस्ता भी कहते हैं, ठीक है. एंड अभी हम देखते हैं व्हाट इज स्टर्नम. स्टर्नम देर इज दिस इज अ सिंगल बोन ऑन द वेंट्रल और द फ्रंट साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी. स्टर्नम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेस्ट बोन. अभी हम डायग्राम के मदद से देख सकते हैं 12 पेयर ऑफ रिब्स. फर्स्ट 7 पेयर्स को कहते हैं ट्रू रिब्स, 8, 9, 10 को कहते हैं फॉल्स रिब्स, और 11th और 12th पेयर को फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. ट्रू रिब्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सामने से तो अटैच हो जाती है स्टर्नम को, ये है स्टर्नम, और पीछे से अटैच हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम को, थोरेसिक वर्टिब्रे को. सो ट्रू रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स बिकॉज वेंट्रली दे आर अटैच टू द स्टर्नम एंड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम, जो मैं यहाँ आपको मार्क करके बताता हूँ. इसी ये हो रही है अटैच स्टर्नम को फर्स्ट पेयर और डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम. ये 2D डायग्राम है बेटा, तो फिर आपको इसको ऐसा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम. सो फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स बिकॉज दे आर अटैच वेंट्रली टू द स्टर्नम, डायरेक्टली टू द स्टर्नम एंड डॉर्सली टू द थोरेसिक वर्टिब्रा. पेयर नंबर 8, 9 और 10 को हम कहते हैं फॉल्स रिब्स. क्यों हम उसे फॉल्स रिब्स कहते हैं, डॉर्सली तो पीछे से तो वो अटैच हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम को, 8, 9 और 10th पेयर, लेकिन सामने से आप यहाँ पर देख सकते हो सामने से वो डायरेक्टली अटैच नहीं होती है स्टर्नम को, वो अटैच होती है 7th रिब को, और 7th रिब के जरिए वो अटैच होती है स्टर्नम को. तो पेयर नंबर 8, 9 और 10th दीज रिब्स आर कॉल्ड एज फॉल्स रिब्स. व्हाई, बिकॉज दे आर नॉट अटैच टू स्टर्नम डायरेक्टली, दे आर अटैच वाया 7th रिब. तो ये हम डिटेल में तो पढ़ने वाले हैं ड्यूरिंग लोकोमोशन एंड मूवमेंट. अभी हम सिर्फ मैं आपको शॉर्ट में ये बताता हूँ. पेयर नंबर 8, 9 एंड 10th आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स बिकॉज दे आर डायरेक्टली अटैच टू द थोरेसिक वर्टिब्रा, बट टू द स्टर्नम दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच. सामने से वेंट्रल साइड में दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम, दे आर अटैच वाया 7th रिब. आप देख सकते हो यहाँ पेयर नंबर 11th और 12th, इन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स. क्यों, बिकॉज वेंट्रली दे आर नॉट अटैच टू स्टर्नम, वेंट्रली दे आर नॉट अटैच टू स्टर्नम, डॉर्सली दे आर अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम. तो आप यहाँ पर यह कंक्लूजन लगा सकते हो, वी कैन कंक्लूड दैट ऑल द 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर अटैच डॉर्सली टू द थोरेसिक वर्टिब्रा. कितने थे थोरेसिक वर्टिब्रे, T12. सो फर्स्ट पेयर टू T1, सेकेंड पेयर टू T2, थर्ड पेयर टू T3 एंड सो ऑन, बट वेंट्रली द अटैचमेंट इज डिफरेंट. सो फर्स्ट 7 पेयर्स आर अटैच डायरेक्टली टू द स्टर्नम वेंट्रली एंड डॉर्सली दे आर अटैच टू द थोरेसिक वर्टिब्रे. पेयर नंबर 8, 9 एंड 10 दे आर अटैच टू द स्टर्नम इनडायरेक्टली वाया 7th रिब एंड डॉर्सली दे आर अटैच टू द थोरेसिक वर्टिब्रे. एंड पेयर नंबर 11th एंड 12th दे आर नॉट अटैच टू द स्टर्नम, दे आर ओनली अटैच टू द थोरेसिक वर्टिब्रे, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स. सो दिस वॉज अबाउट रिब्स. तो जैसे अभी हमने देखा एक्सियल स्केलेटन में स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम. तो 55 बोन्स हमने पढ़े थे और फिर हमने रिब्स पढ़े, दैट इज 24. 55 प्लस 24 प्लस 1 स्टर्नम, तो टोटल 80 बोन्स यहाँ पर हमने पढ़ लिए, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम मिलाकर. अभी हम पढ़ते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन. सो अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ बोन्स ऑफ लिम्ब एंड बोन्स ऑफ गर्डल. तो लिम्ब बोन्स आर टोटल 120. सो देर आर 4 लिम्ब्स, 2 अपर लिम्ब्स एंड 2 लोअर लिम्ब्स. तो हर एक अपर लिम्ब में 30 बोन्स, दैट इज 30 × 2, 60 बोन्स इन टोटल इन बोथ द अपर लिम्ब्स एंड इन लोअर लिम्ब्स ऑल्सो 30 × 2, दैट इज 60 बोन्स. सो टोटल लिम्ब बोन्स आर 120. तो यहाँ पर सवाल आता है,
अपर लिम्ब के बारे में अभी हम पढ़ते हैं, पहले हम यहाँ से थ्योरी पढ़ लेंगे और फिर डायग्राम के मदद से आपको बोन्स लोकेट करवा देंगे। तो अपर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ ह्यूमरस, इट इज़ अ बोन ऑफ अपर आर्म, रेडियस, इट इज़ बोन ऑफ फोर आर्म अलॉन्ग विद अल्ना। तो फॉर एग्जाम्पल एक अपर लिम्ब में एक ह्यूमरस, एक रेडियस और एक अल्ना। फिर रिस्ट बोन को कहते हैं कार्पल्स, दे आर टोटल 18 नंबर, दे आर टाइनी बोन्स 8 कार्पल्स। फिर हैंड में जो बोन्स होती है दे आर मेटाकार्पल, दे आर टोटल 5 नंबर इन ईच लिम्ब, एंड देर आर टोटल 14 टाइनी बोन्स कॉल्ड फैलेंजेस। तो एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, ये टोटल हो गए 3, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स एंड 14 फैलेंजेस, सो टोटल आ जाता है 30 बोन्स। सो ईच अपर लिम कंसिस्ट ऑफ 30 बोन्स। वैसा ही लोअर लिम में भी 30 बोन्स होते हैं, लेकिन पहले हम डायग्राम के मदद से देख लेते हैं द बोन्स ऑफ अपर लिम। अभी हम लोकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ह्यूमरस, इट्स अ बोन ऑफ अपर आर्म। फिर ये है एल्बो जॉइंट, जो ह्यूमरस जहाँ पर कनेक्ट होता है रेडियस अल्ना से, इसे कहते हैं एल्बो जॉइंट। रेडियस और अल्ना को हम कहेंगे बोन ऑफ फोर आर्म, सो दिस इज फोर आर्म। तो बेटा आपको याद रखना है रेडियस होती है थंब के साइड में, तो आप लोकेट कर सकते हो रेडियस इज टुवर्ड्स थंब, तो रेडियस को हम कहेंगे लैटरल, जैसा अवे फ्रॉम द मिड लाइन। जैसा हमने देखा था ईयर इज लैटरल, नोज इज मेडियल, तो जो थंब के साइड में रहेगा उसे हम कहेंगे लैटरल। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसेप्चुअली, रेडियस इज अ सिचुएटेड लैटरली, अल्ना इज सिचुएटेड ऑन द मीडियल साइड। तो एक रेडियस, एक अल्ना, एक ह्यूमरस, ह्यूमरस इज द बोन ऑफ अपर आर्म। तो शोल्डर से लेकर तो एल्बो तक के एरिया को कहते हैं अपर आर्म, और एल्बो से लेकर रिस्ट तक के एरिया को कहते हैं फोर आर्म। फिर कार्पल्स, दीज आर द बोन्स ऑफ रिस्ट, मेटाकार्पल्स आर बोन्स ऑफ हैंड, एंड फैलेंजेस, दीज आर बोन्स ऑफ फिंगर्स और डिजिट्स। तो टोटल होते हैं 14 फैलेंजेस। अभी मैं नंबर लिख देता हूँ बोन्स का, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5 एंड फैलेंजेस। तो जैसे हमने पढ़े 14 फैलेंजेस, यहाँ मैं फैलेंजियल फार्मूला लिख देता हूँ, 2 3 3 3 3, दैट इज़ 2 फैलिंग्स इन थंब एंड रेस्ट ऑफ द फिंगर्स हैव 3 फैलिंग्स। तो ये था बोन्स ऑफ अपर लिम। अभी लोअर लिम के बोन्स हम पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ने से पहले हम डायग्राम के मदद से देख लेते हैं क्लेविकल और स्कैपुला के बारे में, ठीक है। पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं और फिर मैं डायग्राम रेफर करता हूँ। तो गर्डल में टोटल 6 बोन्स होते हैं, ठीक है। तो हम साइमल्टेनियस पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि अपर लिम पढ़ा तो हम अभी अपर लिम से रिलेटेड गर्डल पढ़ लेंगे, दैट इज पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल। इट कंसिस्ट ऑफ 4 बोन्स, 2 स्कैपुला, 2 क्लेविकल। तो राइट साइड में एक क्लेविकल, एक स्कैपुला, वैसे ही लेफ्ट साइड में दूसरा क्लेविकल, दूसरा स्कैपुला। स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं क्योंकि इट इज़ वेरी शार्प। क्लेविकल इट इज़ कॉल्ड एज कॉलर बोन, ठीक है। तो अभी हम वो डायग्राम के मदद से देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ट्रायंगुलर बोन, ये ट्रायंगुलर बोन को कहेंगे स्कैपुला और शोल्डर ब्लेड, और ये जो हॉरिजॉन्टली प्लेस बोन है इसे कहेंगे क्लेविकल या कॉलर बोन। तो ये राइट साइड का हमने एक क्लेविकल और एक स्कैपुला का डायग्राम यहाँ पर लोकेट किया है। तो ये थे नीचे के जो बोन्स थे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस, दे वेर द बोन्स ऑफ अपर लिम। और उसके साथ कौन सा गर्डल आता है, शोल्डर गर्डल, इट इज़ फॉर्म बाय स्कैपुला एंड क्लेविकल। तो टोटल यहाँ पर मैं लिखता हूँ शोल्डर गर्डल में 4 बोन्स होते हैं, उसके 2 बोन्स यहाँ पर है और 2 बोन्स लेफ्ट साइड में रहेंगे, ठीक है। तो 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला। ये जो जॉइंट है जो मैं यहाँ पर मार्क करके बताता हूँ, दिस इज शोल्डर जॉइंट,
जो हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ते वक्त पढ़ेंगे. इट इज़ फॉर्म बाय यूमरस एंड स्कैपुला. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट बोन्स ऑफ अपर लिम अलॉन्ग विथ शोल्डर गर्डल. अभी हम देखते हैं बोन्स ऑफ लोअर लिम. इट कंसिस्ट ऑफ फीमर ऑल्सो कॉल्ड एज थाई बोन, पटेला और नी कैप, टीबिया एंड फिबुला. दीज आर बोन्स ऑफ लेग, दे आर वन इंच. देन सेवन टार्सल कॉल्ड एज एंकल बोन्स, मेटा टार्सल्स कॉल्ड एज बोन्स ऑफ फुट एंड फैलेंजेस. और एक बार हम रिवाइज करेंगे, फीमर इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन एंड इट इज कॉल्ड एज बोन ऑफ थाई. देन पटेला नी कैप, इट इज़ वन बोन ऑन राइट साइड एंड वन बोन ऑन लेफ्ट साइड, इट इज़ प्रेजेंट इन अवर नी. टीबिया एंड फिबुला, दीज आर द बोन्स ऑफ लेग. टार्सल, देर आर सेवन टार्सल इन आवर एंकल. देन मेटा टार्सल आर नोन एज बोन्स ऑफ फुट एंड फैलेंजेस आर बोन्स ऑफ द डिजिट्स प्रेजेंट इन लोअर लिम्स. सो देर आर 14 फैलेंजेस इन ईच लोअर लिम. अभी हम ये डायग्राम की मदद से देखते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो फीमर, इट्स अ बोन ऑफ थाई. सो फीमर इज लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी. देन पटेला, ये वेंट्रल साइड में होता है सामने की तरफ नी में, कॉल्ड एज नी कैप, इट इज ऑल्सो वन. देन टीबिया एंड फिबुला, दीज आर द बोन्स ऑफ अवर लेग, वन इंच. ठीक है, टीबिया को हम कहेंगे इट इज प्रेजेंट ऑन द मीडियल साइड एंड फिबुला ऑन द लैटरल साइड. तो ये क्लासरूम लेक्चर्स में हम और पढ़ने ही वाले हैं. फिर टार्सल्स, दीज आर बोन्स ऑफ एंकल, देर आर सेवन टार्सल्स. मेटा टार्सल्स आर फाइव एंड फैलेंजेस आर 14. ठीक है, तो टोटल हो जाता है 30 बोन्स. फिर आपको पता होना चाहिए बेटा इसके साथ द बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल. जैसा हमने पढ़ा था शोल्डर गर्डल या पेक्टोरल गर्डल इन रिलेटेड विद अपर लिम, वैसा लोअर लिम से रिलेटेड होता है पेल्विक गर्डल, जिसमें आप देख सकते हो हिप बोन या कॉक्सल बोन. तो कॉक्सल बोन को कहते हैं हिप बोन. इट इज़ फॉर्म ऑफ थ्री पार्ट, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस. तो ये है इलियम, दिस इज इशियम एंड दिस इज प्यूबिस. ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द राइट लोअर लिम अलॉन्ग विद द हिप गर्डल. तो जैसा अपर लिम में था, अपर लिम से रिलेटेड था शोल्डर गर्डल, वैसा लोअर लिम से रिलेटेड होता है हिप गर्डल या पेल्विक गर्डल. ठीक है, तो कोक्सल बोन के तीन पार्ट्स हमने देखे, इलियम, प्यूबिस एंड इशियम. सो देर आर टू कोक्सल बोन, राइट एंड लेफ्ट, जो अभी हम थेरी से पढ़ेंगे. तो बोन्स ऑफ गर्डल में पेक्टोरल गर्डल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ते हैं पेल्विक गर्डल. तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हिप गर्डल. इट कंसिस्ट ऑफ टू हिप बोन्स, कॉक्सल बोन्स. इच हिप बोन इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, इलियम, इशियम और प्यूबिस. तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आपको लोअर लिम के साथ साथ पेल्विक गर्डल पढ़ना है और अपर लिम के साथ पेक्टोरल गर्डल पढ़ना है. पेक्टोरल गर्डल इज कॉल्ड एज शोल्डर गर्डल, इट कंसिस्ट ऑफ फोर बोन्स. एंड पेल्विक गर्डल इज कॉल्ड हिप गर्डल, इट इज कॉल्ड, इट कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स. सो फोर प्लस टू, सो टोटल गर्डल बोन्स आर सिक्स. सिक्स प्लस 120, दैट इज 126, क्योंकि हर एक अपर लिम में होती है 30 बोन्स. सो 13 टू 2 ये हो जाते हैं टोटल अपर लिम बोन 60, वैसे लोअर लिम में भी 60. तो ये 120 प्लस 6, सो अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 126 बोन्स. तो अपेंडिकुलर के 126 और एक्सियल के 80, तो टोटल 206 बोन्स रहते हैं. ठीक है, तो आपको सिक्वेंशियली इसे पढ़ना है और यह हम डिटेल में पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले टॉपिक में. अभी हम आपको बताते हैं एक डिफरेंस, यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं या कुछ हम सवाल आपको पूछते. हमने पढ़ा कार्पल बोन्स आर बोन्स ऑफ रिस्ट. ओके, यहाँ मैं सवाल लिखता हूँ, कार्पल बोन्स आर बोन्स ऑफ रिस्ट. तो टोटल बेटा कितने कार्पल्स होते हैं हमारे बॉडी में, 8, 4 या 16? तो जवाब रहेगा 16. क्यों? क्योंकि राइट और लेफ्ट दोनों अपर लिम मिलाकर 16. टार्सल बोन, हमने पढ़े 7 टार्सल बोन होते हैं, तो टोटल कितने होंगे, 7 प्लस 7, 14. फिर अभी हम
फैलेंजेस पूछते हैं. फैलेंजेस आपने देखा हर एक लिम में होती है 14, और है टोटल चार लिम, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 56 फैलेंजेस. ठीक है, ह्यूमरस कितनी है टोटल 2, और एक पूछता हूँ आपको टोटल क्लेविकल कितनी है, तो राइट क्लेविकल और लेफ्ट क्लेविकल दैट इज 2. तो ऐसा आप खुद ही न्यूमेरिकल्स या कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को अप्लाई करके क्वेश्चन बना सकते हो. तो बेटा आज हमने इस वीडियो के ज़रिए पढ़ा अबाउट एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन. आपको अगर कुछ डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए हमें पूछ सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो. और इसे आपको अच्छे से नोट्स से रिवाइज़ करना है, ये वीडियो को ध्यान से देखना है. कुछ अगर आपको चीज़ नोट डाउन करनी है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना आपके नोटबुक में. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक शॉर्ट में, और कुछ लेक्चर्स के बाद हम अपना कोर्स सिलेबस स्टार्ट करेंगे. अभी हम लास्ट में लेते हैं क्विक रिविजन. जैसे कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, क्विक रिविजन में क्या होता है कि हम सवाल पूछेंगे, 1 से 2 सेकंड आपको समय देंगे, आप फास्ट में उसे मन में रिकॉल करना और फिर जवाब देना, या आप नोटबुक में लिख सकते हो. तो विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन, पहला सवाल विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन. सो लॉन्गेस्ट बोन इज़ फीमर. ओके बेटा, मैं सिर्फ डिक्टेट करूँगा. द लॉन्गेस्ट बोन इज़ फीमर, इट इज़ ऑल्सो द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. अभी आपको टोटल नंबर ऑफ फैलेंजेस बताने हैं अपर लिम के. आपके पास दो ऑप्शन देता हूँ, 14, 28, और एक ऑप्शन बढ़ा देता हूँ या 56. तो मैंने पूछा है टोटल नंबर ऑफ फैलेंजेस इन अपर लिम, नॉट इन द ह्यूमन बॉडी, ओनली इन द अपर लिम. तो उसका आंसर आ जाता है 28. क्यों? क्योंकि देर आर टू अपर लिम्स, ईच अपर लिम हैज 14 फैलेंजेस, सो 14 प्लस 14 28 बोन्स या 28 फैलेंजेस इन बोथ द अपर लिम. ये सवाल अगर पूछते थे सिंगल लिम, एक ही लिम में कितने होते हैं, तो 14, और टोटल ह्यूमन बॉडी पूछते थे तो टोटल 14 × 4 दैट इज 56 फैलेंजेस होते थे. तो आप ये अच्छे से अप्लाई करना. व्हाट इज ऑर्निथोलॉजी? सो ऑर्निथोलॉजी इज स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के स्टडी को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के आपको कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर्स बताना है. ट्रू और फॉल्स हम खेलते हैं अभी, ठीक है, जैसे हम क्लास में खेलते हैं. तो आप, मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका ट्रू या फॉल्स आपको आपके मन में जवाब देना है. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इट्स प्लांट टिश्यू, ट्रू या फॉल्स? सो ट्रू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्लांट टिश्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू द सेल्स डोंट डिवाइड, सो दैट इज फॉल्स, बिकॉज इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू द सेल्स डिवाइड एंड दे गिव राइज टू न्यू टिश्यूज और न्यू ऑर्गन. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ डिवाइडिंग टिश्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डिवाइडेड इंटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सो दैट इज ऑल्सो फॉल्स. इट इज नॉट डिवाइडेड इंटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इट इज डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम. प्राइमरी मेरिस्टेम जो जल्दी जो पहले ओरिजिनेट होता है, और जो बाद में आता है उसे कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. आपको टेंडन के बारे में बताना है. टेंडन इज, इट्स अ कनेक्शन बिटवीन डैश एंड डैश, सो इट्स अ कनेक्शन बिटवीन मसल एंड बोन. आपको नर्वस टिश्यू का ओरिजिन बताना है. सो नर्वस टिश्यू इज डैश इन ओरिजिन, वेदर इट इज एक्टोडर्मल, मिजोडर्मल, एंडोडर्मल या ऑल ऑफ दीज. सो इसका आंसर है एक्टोडर्मल, जो अपने नोट्स में है, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था. नर्वस टिश्यू इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. आज हमने पढ़ा स्कैपुला. आपको स्कैपुला का दूसरा नाम बताना है. तो स्कैपुला का दूसरा नाम है शोल्डर ब्लेड. अभी मैं बेटा और एक सवाल आपसे पूछता हूँ. ह्यूमरस को शायद आपने स्कूल में पढ़ा होगा, इसको दूसरा बोन, दूसरा और एक नाम दिया है. ह्यूमरस को कहते हैं डैश बोन, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फनी बोन. ह्यूमरस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फनी बोन. वाई इट इज़ कॉल्ड फनी बोन? बिकॉज वहाँ से जो नर्व पास होता है अपर आर्म के ह्यूमरस वाले एरिया से, अगर उसको स्ट्राइक किया तो थोड़ा सा ऐसा टिंगलिंग सेंसेशन आता है हैंड में. दैट्स वाई सम ऑथर्स रेफर ह्यूमरस एज फनी बोन. What is arthrology? Arthrology is study of joint. Okay. Cranium. Cranium कितने बोन से बना है? आज हमने पढ़ा था आज के लेक्चर में. Cranium बना है 8 बोन से. तो यहाँ कुछ students कहते हैं 29 बोन्स, तो गलत है. Skull बना है 29 बोन से, और skull का एक पार्ट है cranium जो बना होता है 8 बोन से. तो ये आपको पता होना चाहिए. Cranium is made up of 8 bones. कार्डियक मसल के बारे में आपको पताना है. उसका लोकेशन कहाँ है? उसका लोकेशन कहाँ है? उसका लोकेशन होता है हार्ट में. इट इज़ लोकेटेड इन हार्ट. एंड वेदर इट इज़ स्ट्राइटेड या स्मूथ.
So it is striated. And whether it is voluntary or involuntary, so it is involuntary. So this was quick revision of certain facts and terms. Next lecture mein hum padhenge biological classification. Thank you.